नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। आप सभी वीडियो के इंट्रो देख के पता चल गया होगा कि आज मैं कहाँ जा रहा हूँ। जी हाँ, मैं आज वका विलेज जा रहा हूँ एंड वका विलेज जाने के लिए मेरे साथ है मेरे दीदी का बेटा। एंड वका विलेज में आज कुछ प्रोग्राम है, तो वो क्या प्रोग्राम है देखने के लिए आप सभी मेरे वीडियो पे बने ही रहना। एंड पिछले साल मैं वका विलेज गया था, उसमें मैं अच्छा से कवर नहीं कर पाया एंड वका की ब्यूटी आप सभी को नहीं दिखा पाया, तो आज मैं आप सभी को दिखाने की कोशिश करूँगा। तो बिना देर के यहाँ से निकलते हैं। वका हेडक्वार्टर तक जाने के लिए रास्ता पूरा ऐसा ही मिलेगा, एकदम मक्खन, बहुत ही बढ़िया। अगर आप वका एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप स्कूटी लेके भी आए, पूरा रास्ता अच्छा, आपको निराश ही नहीं होगा। रोड एकदम बढ़िया मक्खन, आपको ज़रूर आना चाहिए। सो गाइस, अभी हम पहुँचने वाले हैं वका एंड ये देखिए इतना सुंदर, OMG बहुत ही सुंदर है ये। अगर आप सभी अनिनी का एपिसोड 1 देखा तो आप सभी को मैंने बताया था कि ये है जो मायूडिया रोड है उसी तरह एग्जैक्ट है ये वका विलेज का। ये बहुत ही खूबसूरत है, ये डरावना है, ये जगह जितना खूबसूरत है उतना डरावना है। तो पूरा ये रास्ता बम फोड़ के बनाया गया था ये रास्ता, जो काफ़ी सुंदर है एंड ख़तरनाक भी। ऊपर से पत्थर भी गिरते हैं यहाँ पर। ये जगह का नाम है काला पहाड़, तो बहुत ही सुंदर जगह है। एंड थोड़ा आगे मंदिर मिलेगा, वहाँ पर थोड़ा सा ड्रोन शॉट लेके देखिएगा एंड थोड़ा व्यूज लेके एंड थोड़ा रेस्ट कर लेगा वहाँ पे। इंडिया का लोकेशन देखिए ना, इतना सुंदर। पिछली बार हम आते वक्त ये नहीं था, तो हमने रिक्वेस्ट किया हमारा दोस्त को कि ये लगाने से ठीक है, क्योंकि टूरिस्ट प्लेस के लिए ये बहुत ही परफेक्ट जगह है वका विलेज। सो आप सभी देख सकते हैं काफ़ी सुंदर है। या सीधा OMG इतना बढ़िया सुंदर। यहाँ पे जूम कल्टीवेशन चल रहा है एंड यहाँ पे भी, ये कौन सा बस्ती है पता नहीं, भूल गया क्योंकि मैं यहाँ का नहीं है इसलिए मुझे इतना याद नहीं है। काफ़ी सुंदर जगह है। तो अभी हम यहाँ से वका के लिए जा रहे हैं। सो वेलकम टू वका। ये वका का रोड ना एकदम A1 है, सही है तो सही है, आप घूम फिरने आ सकते हैं वका स्कूटी के साथ भी, दैट मीन्स रास्ता बढ़िया है। एंड यहाँ का व्यू सिनेरी देखिए ना, OMG आई तो क्या। तो यहाँ पे मिस्टर फोगिंग पंसा वो हमें रास्ता दिखाने के लिए एंड हमें गाइड करने के लिए आए हैं। एंड यहाँ से जाने से सीधा जाने से खानू मिलेगा एंड यहाँ से राइट साइड जाने से वका विलेज। एंड खानू ज़रा दूर नहीं है, 21 किलोमीटर से कुछ दूर है। एंड यहाँ से वका शायद मेरे घर में 2 किलोमीटर ऐसा कुछ तो होना चाहिए, 1 किलोमीटर हाफ या 2 किलोमीटर से कुछ। तो फ्रेंड्स, अभी हम वका पहुँच गया। वका पहुँच के यहाँ पे फोगिंग का घर पे ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया एंड अभी सोचा कि क्यों ना ये वका टाउन दिखा दो आप सभी को, क्योंकि फोगिंग का घर भी ये वका टाउन पे ही, तो यहाँ पे थोड़ा रेस्ट करके हमने आप सभी को अभी वका टाउन दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी हम पहुंच गया ये वका विलेज का ये चीफ का घर एंड ये लोग तो साहब का घर है एंड उसका बाहर है ये। एंड अभी जो प्रोग्राम शुरू होगा वो उधर साइड है, तो यहाँ से काफ़ी साइड में कभी 300 मीटर से कुछ तो होगा एंड रोड कुछ इस तरह है, आई मीन रास्ता। तो पिछली बार जब आया था उस समय मेरा हालत ख़राब हो गया था क्योंकि पैदल चल के आदत नहीं था, तो इस बार भी शायद मेरे ख्याल में सेम हालत होना चाहिए। एंड आगे में ये फोगिंग पंसा मिस्टर यूट्यूबर वो लीड करते हुए एंड यहाँ मेरे दीदी का बच्चा मेरा बान जी एंड रास्ता देखिए
काफ़ी डाउन है। तो फॉगिंग पर्सन ने अभी ये बोला है कि अभी जो ये अंकल है या आपू है ये बस्ती के सबसे बुजुर्ग में से ये हल है। ये अंकल ये अपू। तो अभी हम ये फाइनल डेस्टिनी पहुंच गया। ये जगह ये जहाँ पे चंग था यहाँ से बहुत अच्छा व्यू आता था, लेकिन यहाँ पे आज प्रोग्राम का कारण से पेंटिंग बना हुआ है हमें। तो ये पहाड़ पहुँचते पहुँचते गर्म हो गया एंड माथा में पूरा पसीना। एंड अभी ये मॉलों का अंदर घुस के देखते हैं कि किस तरह लॉकडाउन बनाया गया। तो ये मोरंग आप देख सकते हैं ये अंदर का कुछ इस तरह दिखाई देता है मोरंग का अंदर का। एंड ये लॉकडाउन काफ़ी भरा है एंड आप सभी देख सकते हैं कि जो ये है ये बजाने लगा है कुछ इस तरह बजाते हैं। ว่าไหลมาลงเอาตาลซัมโฟอิชิโยกานฟิชิญัมโฟชิโอ้โหว้ากังไคกะปักชูว้างับทองปาชีชามันปาชางชูกังชูว่าชังไงจิงกังใจยังไง ว่าชูบีขมานเอาละคำนูกันโซลพูว่าชาบีมานเอาละลำนูกันโซลพูลงงามเอาเศร้ามันประชังชูว่าเช่นไงว่าดิงงามนาข้าวขี้ว่าขี้เราหัวมันยังงูอาเช่นไงว่าชูบีอ่ะ ว่าลำนูกันยี่สังอันนั่นละพูอังเชียว่าเสาโจมกันนี่ชาเบียกงกันชินนั่นละพูอาเชงไงกังชิวไงมันปลาชากังชิวกังชิวขี้เหล้าหอมยังงูดิงงามนาข้าวขี้ว่ากูขี้ยาพูชิวว่าราคาเนื้อกินชา तो अभी के जो ये ग्रैंडफादर है ये बस्ती का बका विलेज का सेकेंड बुजुर्ग आदमी है। तो ये अस्तर से कम देखने को मिलता पनाथी बीसीओ चुचू तो हम जिंदोक लफू नाम से मखा लिया मत मखा लिया शशि मखा कबे नाम से मसा कबे दखा न चिंचो वाला हम जिंग लफू। तो फ्रेंड्स मैं आप सभी को ये वक्का के बारे में थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं। एक्चुअली ये वक्का का नाम ये गक्का था जो ये वक्का बस्ती का तरफ से ये गक्का ऐसे था, लेकिन जब गवर्नमेंट आके इसको मतलब अच्छा से प्रोनाउंस नहीं कर सके वो लोग वक्का लिख दिया। तो उसी के कारण से गवर्नमेंट ने जो लिखा है उसी के कारण से ये बस्ती का नाम वक्का हो गया, लेकिन एक्चुअली में ये बस्ती का नाम गक्का था। एंड हमारा ये मेरे बस्ती की तरफ से अगर इसको बुला से सक्का ऐसा होना था। तो ये एक छोटा सा जो करेक्शन है जो नहीं जानते हैं उसी को मैं आप सभी को बता रहा हूँ। एंड यहाँ का सिनारी बहुत ही सुंदर है, देख सकते हैं काफ़ी सुंदर है। एक्चुअली ये वक्का जो ट्रेडिशनल घर के कारण से ये फेमस है, लेकिन आजकल आप देख सकते हैं कि जनरेशन आगे जाते जाते ये वक्का का जो लोकल है ट्रेडिशनल अभी वो सब गायब होते जा रहे हैं। आप सभी देख सकते हैं कि बीच बीच में ये टीना घर वगैरह है और बीच बीच में वो पत्ता का घर है। तो यहाँ पर एक लोकल चीज़ दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये एक सुंदरता गायब हो गया। एंड वो चर्च से या फिर टाउन से दिखने से ये जगह बहुत ही अच्छा दिखता था, लेकिन यहाँ में भी एक दो हो गया टीना घर हो गया क्या क्या
वो हो गया, उसी कारण से यहाँ का जो सुंदरता है वो आस्ते आस्ते ख़त्म हो रहा है, पर भी यहाँ का व्यू बहुत ही अच्छा है। और अन्य आज हमारे बीच उपस्थित हो रहे हैं। Thank you. First of all, myself, Shri Phogin Palsa, वक्का से हूँ और ये जो आज लोक ड्रम का जो खमचू रिचुअल हो रहा है ये इसी पर से मैं बिलोंग करता हूँ। तो आज का जो प्रोग्राम है आपके लिए मैं आज एंकर के तौर पे जो प्रोग्राम लीड करने की आप सभी से आगे चाहता हूँ। चुनिया जो कि मामा कोको को हम चुका ला चिके से गुल ले ला पापे चियो गंगे मई ले अच्छे जा गाय मई ले ला गन चियो लो जीसस क्राइस्ट के थैंक्स यम फोन शुरू गन कब चियो वे मन वाचे प्रोग्राम स्टार्ट करिए मा कि मा योगर का मा माप जुखा ब्लेसिंग जुखा किम का बलों में जब पेम से आपका कोन्या इधर लगो मा कन मई मंग मा चियो वे मन ना ग फगोला गेसो बोना तपयो ईपीसी गगे ए चिनी कोमा कोमन कुशा ताला को पंचा नाशा को पब्लिक लेरा देख गावन का गन पोजान मा कोमन कुशा तको बेगा गा मंदान कांदा ता तला मकिन गोन पयो गगे ए अरागा कोम कन मै मों तेबी मैं चमा जी नाम तो आ नाम इंडा का कौन है मैंने चेंज तो इस प्रेजेंटेशन को रिसीव करने के लिए मैं
यहाँ पे आमंत्रित करना चाहूँगा टुडेज आवर बिलवर्ड ZPM वका ब्लॉग श्री घनचागर सर, प्लीज एक बार आइए और हमारे तोहफा को स्वीकार करें। थैंक यू सो मच। Ini sak pongan. Sak tolo dah kita sayang. Mereka mereka. Thank you. Thank you so much. Maka ke sabse beloved hum sabhi ka chahita jane mane public leader student leader bhi reh chuke hain. अच्छु से ही वो अपना लीडर जब तीरप लॉन्डिंग एक साथ है उसी समय से वो और कॉलेज हमारे से यहाँ पे लीडरशिप करते हुए आज तक हमारे बीच मौजूद है वो है श्री नोकचोंग मोडम। मैं आपको यहाँ पे एक बार आमंत्रित करता हूँ कि हमारा छोटा सा गिफ्ट को स्वीकार करें। Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Former Vice President WC श्री गंगसू गंगसा जी जो आज हमारे बीच है तो उनको मैं यहाँ पे वेलकम करना चाहूँगा कि हमारे वक्का के लिए गोकपुर के लिए कुछ आप अपनी ओर से कुछ शब्द कहें। अगर हम जाओगे फर्स्टली हम जाऊंगा श्याम पक फे थे 26 फेब्रुवरी में गांव चो और हम जाओ प्रेसिडेंट लो में कोई सिरिंग गांग कोई दिन गांग हम गए कोई प्रेसिडेंट लो में गांव चो और हम तिरिंग तांग पैसा कुछ सिर्फ तिरिंग तांग कुमार में ला पा रहा मेक सुबह सुबह प्रपोजल ला पाए हम प्रपोजल ला पाए दिंग शुरुआत के कोई कुरी ताबो को कोई चिपे चिपे गाय के जान के कोया 40 पीस के कोठे मन फाएंगे अगर को पगा या लग पगा। तो मैं बुलाना चाहूँगा जिला परिषद मेंबर ZPM वर्कअप ब्लॉक श्री घनचा गिरसा प्लीज वेलकम ट्रक बाकों में किम दे जो जा ताली होती है जिन्हें किम हम बांचो नुमा किम वॉल मा वांचो मा गाते का खाम अरुणाचल में वांचो का मस्ती खाम मुक्ति बंगा वांचो बंगा किम डिस्ट्रिक्ट अनियरम मा खाम पूजा कर गाते का खाम जा मने किम इंपोर्टेंट खाम चखो की नक का खाम शुभ ये फन हुई नक का मैं पाजा था नगा खाम चंगा खाम का बात तो किम चिंशों पका लंगम कम का टीडीसी ने ड्रेस लकी मा किम हमला पाका जून यूले के बाने मैं इस शाब शाब लमंग मैं पाका बात मनंग मैं इस शाब ने गाना बोलत किम मा अंग डॉग बा अंग तक बचा पाया लकी मैं टीडीसी ने आहाम तो किम का पर्या हम हम्मे आहा गंगम कम में आहा लो शॉप को किम काम लगा टीडीसी ने किम कंचर। थैंक यू सो मच ZPM सर, आपने बहुत ही अच्छी तरह से हम सभी गोकुप के जितने भी लोग हैं जितने भी आज यहाँ पर जमा है सभी लोगों के लिए आपका जो भी सुझाव आपने जो भी बात कही है हम दिल से उसे स्वीकार करते हैं और आने वाले दिनों में भी हम इसी तरह से मिलजुल कर एक दूसरे के प्रति ऐसा अच्छी अच्छी बातों को लेकर अच्छे अच्छे जो सोच है उसे साथ में काम कर आगे बढ़ेंगे इसी उम्मीद को हम रखते हैं।
नेक्स्ट अभी लंच है तो थोड़ा सा हम लंच करेंगे। हालांकि कम्युनिटी फीस्ट है आज, जैसे कि हम सभी जानते हैं नोकचु है, तब भी उससे पहले जो अभी लंच है उसे हम कम्युनिटी फीस्ट तक रुकने के लिए हम लंच करेंगे। तो हम चाहेंगे कि आप लोग जितने भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं, अगर ऐसे ही आप जुड़ जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, पर तब तक के लिए हम यहाँ पे अभी लंच करेंगे। तो यहाँ पे 100 100, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे 100 पीस है, 100 100, दैट मीन्स बहुत सारा है। तो यहाँ का भैया लोग बोला है कि 1700 बनाया है यहाँ पे। तो ये मीट जो चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, सब बस्ती वालों को मिलेगा एक एक पीस होने से भी। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो ये वक्का विलेज में जितना भी लड़का है, चाहे वो ग्याकल जन्म क्यों ना हो, वो लड़का भी काउंट किया जाएगा एंड उसके लिए भी मीट से पूरा सब चीज़ बना जाएगा। एंड अभी हम जा रहे हैं, ये जहाँ दारू बनाता है वहाँ जा रहे हैं। तो आप सभी को मैं दिखाता हूँ। काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले। सो ये सब है पूरा दारू, लोकल दारू है ये। हमारा वांचो से इसको कहा जाता है ये यू दारू, यू यू बोलता है। बहुत सारा है, पूरा नीचे तक है सर, पूरा नीचे तक मिलेगा ये पूरा सब। तो आप देख सकते हैं ये एंडिंग से वो एंडिंग तक पूरा दारू ही दारू, आई मीन लोकल दारू। तो ये सब ये दारू सभी बस्ती वासियों को बांटा जाएगा जो जो पीते हैं लोकल दारू है। तो पहले ऐसा क्राउड नहीं था प्रोग्राम चलते वक्त, अभी प्रोग्राम ख़त्म हो गया। तो बस्ती में जितना भी जवान है, बच्चा से लेके बूढ़ा तक, सभी लड़का लोग यहाँ पर जमा है एंड अभी भी जमा होने का बच्चा है। बहुत सारा लोग आने के है अभी। एंड ये है मोंग मोंग, क्या बात। सो तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा था यहाँ का? बहुत बढ़िया था, जितने एक्सपेक्ट किया था उससे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस करने के लिए। और नया जगह देखने को मिला इसको, हम तो यहाँ पे शायद मेरे ख्याल में 5 times ऐसा कुछ तो आ चुका है यहाँ। लेकिन ये मेरा बांझी है, क्या बात, ये उसका फर्स्ट टाइम है। नेक्स्ट टाइम और भी अच्छा अच्छा जगह लोकेशन जाएगा, नए जगह एक्सप्लोर करने के लिए। काफ़ी पूरा थक गया यार, पूरा पसीना से। मैं वांचो जनजाति के लिए स्पेशली एवं
जितने भी व्यूअर्स हैं और रुदिया को मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो लोक ड्राम इंग्लिश में हम कहते हैं और हमारा लोकली वंचो भाषा में से खम खम कहा जाए तो ये पार्टिकुलर वर्ड है और खम का ये एक वुडन स्ट्रक्चर को ही कहा जाता है खम। और दुनिया को पता है ये लार्जेस्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है और इस इंस्ट्रूमेंट के जरिए हमारा कल्चर के साथ हमारे ट्रेडिशन के साथ युग युग से रिश्ता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक इंस्ट्रूमेंट यानी कि हिस्ट्रिकल ऑर्नामेंट्स भी कह सकते हैं म्यूजिकल ऑर्नामेंट्स। तो इसमें ऐसे हैं पां बोल के एक है, पां का मतलब हमारा वांचो भाषा में पां का मतलब कान से सुनने वाला को बोलता है। तो आदमी लोग पहले कान से सुनने के लिए बस्ती का साइड से यानी कि थोड़ा बस्ती का गांव से थोड़ा सा हट के उसमें आदमी को सुनने के लिए रखा जाता था पां का मतलब। तो उसमें बारिश आ गया धूप पड़ जाने से प्रॉब्लम होता है इसलिए एक छोटा सा झोपड़ी बनाया जाके वो आजकल मोरंग कहलाते हैं। पां का असली मीनिंग ये है और पां में ही खम को रखा जाता है। तो खम और मोरंग के अलावा खम जो है आपका राजा का घर में मिलेगा और खम में दो तीन तरह का खम होता है। कोई खेती में बजाने वाला खम उसको हम लोग खमसा बोलता है, वो कोई बड़ा ज़ोरदार से नहीं बनाता है अपना अपना खेत के हिसाब से बना के उसमें भी बजाया जाता है। और ये जो लोक ड्रामास गा कोकप मोरंग में जो वक्का गांव में जो इसका कम्युनिटी फीस दिया जा रहा है इसमें जितनी भी गाँव के लड़का है भले ही वो आज खम को खींचने में या इंस्टॉलेशन में उसका योगदान ना रहा हो कि मैंने बच्चे लोग बुरा लोग फिर भी जितने भी आज यहाँ पे लड़का है स्पेशली वक्का गांव का और बाकी इन्वाइटीज लोग आके आज कम्युनिटी फीस दे रहे हैं उसमें ख़ास तौर पे वक्का गांव का एक भी लड़का नहीं छूटना चाहिए। इस हिसाब से आज हम लोग मोरंग वाला स्पेशली घर को मोरंग वाला लोग मिल के कम्युनिटी फीस के लिए हाउस वाइज कलेक्शन करके धान या मीट जितनी भी प्रकार के कम्युनिटी फीस में लगता है ये पार हाउस करके वो लोग कलेक्ट किया है। ऐसा करके इंतजाम करने के बाद आज कम्युनिटी फीस हो रहा है। इस फीस में जितने भी लड़का है गांव का उसको एक भी नहीं चुकना चाहिए बोल के मीट भी एकदम डिवाइड किया जाता है। और मीट में इस प्रकार का डिवाइड किया जाता है इसमें हम लोग वेजिटेरियन हैं वांचो जनजाति तो क्या करता है कि मैंने मीट में कोई सुअर हो गया या भैंस हो गया और स्पेशली मिथुन तो काटा जाता है मिथुन और सुअर तो कोमल नहीं मिलता है यहाँ पे उसका मीट को राजा से लेके स्टेप टू स्टेप कास्ट टू कास्ट करके मीट को डिवाइड किया जाता है। और इसमें जो अभी फिलहाल क्रिश्चियनिटी है फिर भी क्रिश्चियनिटी होने के बावजूद भी ये परंपरा को आज तक अपनाता है और अपनाते रहेगा बोल के मेरा मानना ये है। तो इस प्रकार से मीट को डिवाइड किया गया है और खम को मैं एक इसमें स्पेशली खम का विषय में कहना चाहूँगा खम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसमें तरह तरह का इन्वॉल्वमेंट है। जैसे कि खम को हम दुख में किस धुन से बजाना है सुख में किस धुन से बजाना है और इमरजेंसी जैसे कि कुछ दुर्घटना हो गया मैंने जो अनहोनी चीज़ अनएक्सपेक्टेडली हो जाता है ऐसे समय में किस प्रकार से बजाया जाता है बोल के इसका डिफरेंट टून है। कॉमनली उसको लोक ड्रम को आदमी लोग आके बजा दिया सिंपली ये नहीं है। इस म्यूजिक को बजाने में आदमी लोग एक्सपर्ट लोग भी हैं। हाँ मानता हूँ कि आने वाला पीढ़ी लोग इसको प्रजा कर पाएगा कि नहीं वो तो पता नहीं है लेकिन अब तक कोशिश है। कुछ कुछ ट्विन जो है थोड़ा सा आदमी लोग अभी कम ही मिलता है उसको समझने वाला फिर भी अब तक वो आदमी लोग उसको प्रिजर्व कर रहा है। खम में स्पेशली डिफरेंट प्रकार का धुन बजाया जाता है जैसे कि कोई आदमी गांव का हेड हंटर समय में शामिल होने वाला मर जाने से या गांव का कोई बुजुर्ग मर जाने से या राजा मर जाने से उसको हम लोग बोलते हैं मंखव खम तप। मंखव खम तप मीन्स आदमी मर गया उसके बाद बजाने वाला। फिर एक होता है खो खम तप। खो खम तप का मतलब इमरजेंसी क्राइसिस हो गया
यहाँ पे कोई आग जल गया या कहीं पे लैंडस्लाइड हो गया या किसी का साथ लड़ाई हो गया, ऐसा में ये इसको कोकमतब बोलता है। और कॉमनली जो है डांस करने से पहले बजाया जाता है, ये जो एंजॉयमेंट का है उसमें सिंपली ट्यून होता है। लेकिन अभी दुख का घड़ी में और इमरजेंसी का घड़ी में जो है थोड़ा अलग प्रकार का ट्यून बजाता है बोल के खम का ये है। और मैं आशा करता हूँ कि केवल वक्का गांव ही नहीं है, हमारा जान वांचो जनजाति ऐसे चीज़ों को और प्रिजर्व करेंगे, आगे जाके भी अपनाएंगे बोल के मैं उम्मीद रखता हूँ। हमारा वांचो में तंगजन और संगजन, तो वक्का गांव जो है तंग से आया है, नागालैंड में ही है अभी तंगनू, तो उस समय से अभी प्रिजर्व करके आने वाला मेरा ख्याल से सेंचुरी हो गया। फिर भी वक्का गांव में स्पेशली ये सब कल्चर को अब तक खोया नहीं है बोल के लोक ड्राम यानी कि खम का विषय में ये है और कम्युनिटी का फीस विषय में भी ये है। धन्यवाद। तो अभी हम यहाँ से वक्का से वापस जा रहे हैं ये लोंगडिंग, एंड आप सभी ये देख सकते हैं कि ये जगह और जो ये घर वर है ना, ये सब पूरा वो है जो स्टेप दिखाई देते ना, वो यही घर है। तो बहुत ही सुंदर दिख रहा है, आप सभी ड्रोन शॉट देख के पता चल गया होगा कितना सुंदर है। तो अगर आप वक्का आने का प्लान है तो वक्का ज़रूर आइए, रास्ता एकदम बढ़िया है, आपको शिकायत करने नहीं मिलेगा। तो आज का वीडियो इतना था कि अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, एंड खास के ये अगर वक्का वासियों देख रहे हैं तो प्लीज़ अपना दोस्त समझ के, अपना भाई समझ के सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर।